गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अपने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो है कलेक्शन ऑफ डाटा वो शुरू करने जा रहे हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। इससे पहले टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स की इम्पॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस, उसका स्कोप, सबके बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना, जब हम लोग पढ़ा था पिछले चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस, तो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि जो स्टेजेस, फाइव स्टेजेस पढ़ी थी, जो कि ये वाली हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कैसे होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये फाइव स्टेजेस हैं। तो आज हम लोग जो है अपना पहला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो है कलेक्शन ऑफ डाटा वो शुरू करने जा रहे हैं कि डाटा को कलेक्ट करने की क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है और कौन कौन से सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग का आज का कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर टू, इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर वन। तो क्या है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सबको पता है स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। एस वो डाटा जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हमें बताता है, कोई भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव, मतलब न्यूमेरिकल टाइप फॉर्म में होती है, जिसके माध्यम से हम किसी मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि व्हाई डू वी कलेक्ट डाटा, हम क्यों कलेक्ट करते हैं, व्हाई डू वी कलेक्ट डाटा। द पर्पज़ ऑफ डाटा कलेक्शन इज़ टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, डाटा कलेक्ट इसलिए किया जाता है, हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स में डाटा इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है, लिटरेसी रेट होता है, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम लोग उसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है कंट्री में, पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है कंट्री में, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, उसका डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज कर सकें और एक्सप्लेन कर सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कंट्री में, किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी क्यों हो रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ क्यों रहा है, कैसे रहा है, कम क्यों हो रहा है। इन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ना चाहते हैं या एनालाइज करना चाहते हैं, तो डाटा कलेक्ट किया जाता है इन सब के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, तो डाटा कलेक्ट करेंगे हर साल का कि कितने लोग पास होते हैं, कितने लोगों ने ये पास किया, कितने लोगों ने फेल किया, कितने लोग एम्प्लॉयड हुए, उनमें से कितने को नौकरी मिली, कितने को नहीं मिली, तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, इन सब का जब सब प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग कलेक्ट करके, एनालाइज करके कर लेते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तब उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और इसीलिए डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ सकें। ठीक है, अब ठीक है, हम मानते हैं कि डाटा कलेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन डाटा कलेक्ट करने का कोई तरीका होगा, कोई प्रोसेस होगा, कोई सोर्स होगा जहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तो टू कलेक्ट डाटा देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शंस। डाटा कलेक्शन के टू सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, एक प्राइमरी सोर्स है, नंबर वन प्राइमरी सोर्स, नंबर टू सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। वो डाटा जो अपने ओरिजिन से ही कलेक्ट किया जा रहा है, उसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने क्लास में स्टूडेंट्स का एक डाटा कलेक्ट करना है कि किस बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आप हर बच्चे के पास गए, स्टूडेंट के पास, उससे पूछा, उसने आपको बताया, आपने नोट डाउन किया, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया कि कितने बच्चे ओ पॉजिटिव हैं, कितने बच्चे ओ निगेटिव हैं, कितने बच्चे ए बी पॉजिटिव हैं, कितने बच्चे ए बी निगेटिव हैं। तो ये जो डाटा आपने कलेक्ट किया, ये ओरिजिन से ही कलेक्ट किया ना, जो सोर्स आपको बता सकता था उसी से कलेक्ट किया, जो बच्चे से ही कलेक्ट किया, जिसका वो ब्लड ग्रुप है उसी ने आपको बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, तो वो सोर्स ऑफ ओरिजिन कहा जाएगा, जहाँ से वो डाटा मतलब बन रहा है उसी वहीं से कलेक्ट करना, उस डाटा को प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। ये आपको फर्स्ट हैंड प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव, जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे पहली बात तो स्टैटिस्टिक्स में, वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगी, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से।
प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो डाटा, जहाँ से वो सोर्स है, जो वो सोर्स है वहीं से आप डाटा कलेक्ट करने खुद जा रहे हैं, उसको कहते हैं डाटा का प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स कौन सा होता है? जब प्राइमरी सोर्स का मतलब हुआ, जब आप उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा हुआ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी या इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी हैपेंस टू हैव कलेक्ट द डाटा थ्रू स्टैटिकल सर्वे। मतलब ऐसा डाटा जो पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है किसी एजेंसी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी भी आदमी के द्वारा, वो डाटा पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है, आपने बस वो डाटा उस एजेंसी से या इंस्टीट्यूशन से ले लिया, ठीक है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपने उसको एनालाइज करके उसका कंक्लूजन निकाला। लेकिन वो डाटा, ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है, ये आपको मतलब आपका रिलायबल डाटा होता है कि आपने खुद कलेक्ट किया है तो आपको जानकारी है कि हाँ ये डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है ये सही होगा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कभी कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो किसी एजेंसी के द्वारा, आप इंस्टीट्यूशन के द्वारा आप कलेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप से तो कलेक्ट कर नहीं रहे हो, वो तो पहले से कलेक्टेड डाटा है जो किसी एजेंसी के पास या इंस्टीट्यूशन के पास या किसी भी आदमी के पास पहले से वो रखा हुआ है। जैसे हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्राइमरी सोर्स में क्या किया आपने, हर बच्चे के पास गए, उनसे पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसने बताया, आपने कलेक्ट किया, आपको पक्का पता है कि उस बच्चे ने बताया तो सही होगा। ये एजेंसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या किया हुआ, आप खुद नहीं गए बच्चे के पास, किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन ने पहले से ही वो ब्लड ग्रुप के बारे में पता करके रखा हुआ है हर बच्चे से, और वो डाटा आपने लिया और उसके अकॉर्डिंग वो बताया कि कौन से बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप है, कितने बच्चे वो पॉजिटिव हैं, कितने वो निगेटिव हैं। तो वो डाटा जो एजेंसी इंस्टीट्यूशन से आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग में है, उसको आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। जो आप किसी सेकंड पर्सन से या किसी एजेंसी से कलेक्ट कर रहे हैं उसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहा जाता है। ठीक, समझ गए? प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ, दो सोर्स ऑफ डाटा होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, समझ गए? प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जहाँ पे आप ओरिजिन की बात करते हैं, जहाँ से डाटा ओरिजिनेट हो रहा है वहीं से कलेक्ट करना प्राइमरी सोर्स होता है, और जो डाटा पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है उसे फिर से कलेक्ट करना, मतलब उस एजेंसी से या इंस्टीट्यूशन से, उसे आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। अब ये तो सोर्स की बात हो गई, अब दो तरीके का डाटा होता है, एक तो प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑफर्स यू प्राइमरी डाटा, जो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया जा रहा है वो प्राइमरी डाटा हुआ, जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया जा रहा है वो सेकेंडरी डाटा हुआ। प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन डाटा ऑफर्स यू प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफर्स यू सेकेंडरी डाटा। अब देखते हैं प्राइमरी डाटा होता क्या है। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पज फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। मतलब वो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर, जैसे हम इन्वेस्टिगेटर हैं, वो डेटा जो हमने अपने ओन पर्पज़ के लिए फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ कहीं से इकट्ठा किया, उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, उसके शुरुआत से लेकर आखिर तक, उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। वही बात कि इसको प्राइमरी डेटा को उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर मतलब हम इन्वेस्टिगेटर हैं, हमने वो डाटा कलेक्ट किया अपने पर्पज़ के। मान लो मैं हूँ या एक और आदमी है, दोनों लोग वहीं जाते हैं, उसी सोर्स ऑफ ओरिजिन पर जाते हैं, वही सेम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी और ने वो डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके पास है, लेकिन मैं गया, मैं भी वो डाटा वहीं से कलेक्ट करके लाया उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से, तो वो प्राइमरी डेटा ही माना जाएगा, चाहे वो दो लोग इकट्ठा कर रहे हो चाहे तीन लोग कर रहे हो। अगर आप उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही कलेक्ट करने गए हैं खुद अपने पर्पज़ के लिए, तो उसे प्राइमरी डेटा कहा जाएगा, चाहे वो कितनी बार भी और पहले कलेक्ट किया जा चुका हो। ठीक है, प्राइमरी डेटा मतलब डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, अपने पर्पज़ के लिए पहली बार हम अगर कोई डाटा इकट्ठा करने गए हैं फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन से, तो उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी डेटा। अब आगे बात होती है सेकेंडरी डेटा क्या होता है। देखिए, सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब वही मैंने जो पहले बताया सोर्स वाले, वो डाटा जो पहले से ही आपके पास किसी एजेंसी के पास या इंस्टीट्यूशन के पास, किसी भी आदमी के पास, कहीं पे भी जो पहले से ही इकट्ठा हुआ रखा हुआ है, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन, जो अदर पर्सन से भी कलेक्ट किया जा सकता है, एजेंसी से कलेक्ट किया जा सकता है, फ्रॉम सम अदर पर्पज देन द आंसरिंग ऑफ, मतलब जो क्वेश्चंस जो आपको कंक्लूजन निकालना था
आप वो ना करके किसी और पर्पज़ के लिए वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो किसी एजेंसी से या अदर पर्सन से, उसे सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। जो डाटा पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है, ठीक है, उसे फिर से किसी एजेंसी से या पर्सन से या इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी जो डाटा पहले से कलेक्टेड है उस एग्जिस्टेंस में है, उसे फिर से कलेक्ट करना सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, और कल हम लोग पता करेंगे कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा क्या होता है। ठीक है, मेथड्स पढ़ने के बाद आपका चैप्टर फिनिश होगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, दो या तीन वीडियो में और ये दो वीडियोज़ और बनेंगी इसकी और ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर देख लीजिए मैंने जो बनाया है, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में भी नोट करते रहेंगे ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।